Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. अभी लास्ट मेरा शो इतना करो ना मुझे प्यार था सोनी पे, और तब मैं बहुत ऐसी स्कूल गर्ल US से आई हुई लड़की थी एंड यू नो ऑल दैट था, तो उससे काफ़ी डिफरेंट है पहनाव में भी बोल में भी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज शो ऑलरेडी, तो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं ना आना इस देश लाडो वॉज अ सक्सेसफुल शो, बहुत प्यार मिला था दर्शकों से, तो ऐसे शो का पार्ट होना ऑलरेडी उसमें एक है कि चलो बहुत बड़ी खुशी है। प्रेशर भी है क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं हमसे, पर हम कर लेंगे हमें पता है। शो में किस तरह का किरदार प्ले करेंगे? मेरे कैरेक्टर का नाम जानवी है और ये अम्मा जी की छोटी ग्रैंड डॉटर है, और क्योंकि छोटी है तो बहुत लाडली है, अम्मा जी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत प्रोटेक्टिव है उसकी तरफ से, क्या कहाँ जा रही है उनके साथ ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो बहुत ज़्यादा प्यार है उनको उनकी तरफ, एंड सिंस उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि ये सब होता है, तो वो और भी ज़्यादा केयरफुल है, और दूसरा वो अपनी बहन को बहुत मानती है क्योंकि जानवी जो है वो ऐसे निडर होके जस्टिस के लिए नहीं लड़ पा रही है, छोटी है तो थोड़ा डर है, अपनी बहन की तरह इतनी अपफ्रंट नहीं है, तो ऑब्वियसली शी लुक्स अप टू हर और बनना चाहती है हमेशा, जब दीदी कुछ अच्छा करती है बस उसका ये रहता है कि मतलब कैसे यार कैसे कर लेते हो, तो वो चीज़ है। दूसरा है कि तीनों में इतना प्यार है और उन दोनों में तो बड़ा नोकझोंक वाला प्यार है, तो काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती है, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते भी रहते हैं, तो उसमें फंसती मैं हूँ क्योंकि अम्मा जी बोलती है कौन सही है, तो अम्मा जी होती तो मुझे बोलना है अम्मा जी, और अनुष्का होती तो मुझे बोलना पड़ता है अनुष्का, और दोनों साथ में पूछ ले तो भाई मैं भाग जाती हूँ वहाँ से, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ। अच्छा फलक ये तो हो गई एक बात, लेकिन आज के दौर में फीमेल सेंट्रिक सीरीज निकालना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? ऐसे ज़रूरी मैं नहीं मानूंगी, पर ये हमारे ये जो शो है हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, फैक्ट है रियलिटी है, तो ज़रूरी है दर्शकों को दिखाना कि अभी भी ये सब हो रहा है, तो ऑब्वियसली पिछले दस साल पहले जाएंगे तो तब क्राइम रेट्स और थे, अभी जाएंगे तो तब थोड़ा कम हो गया, आई एम श्योर आने वाले साल में वो और भी कम हो ही जाएगा, तो वो रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस शो के लिए कितना लैंग्वेज पर ध्यान रखना पड़ा है, कितना ट्रेनिंग लेनी पड़ी? जब मुझे बोला कि लाडो है तो मेरा सेकेंड थॉट वॉज हरियाणवी, मतलब मुझे नहीं आती हरियाणवी, पर इट्स लाइक वी वर इट्स शोन कि हम दिल्ली में ब्रॉट अप है तो नहीं सीखना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, इट्स ए नॉर्मल हिंदी हम लोगों के लिए, पर हाँ ये जानवी इतनी जानना चाहती कि अम्मा जी कहाँ से, उसे से पता है अम्मा जी हरियाणवी से कहीं से है, हरियाणा से कहीं से है, और उसे बस है कि वहाँ का खाना वहाँ की लस्सी और वहाँ का बोल ऐसा है, तो वो कोशिश ज़रूर करती रहती है पर हमेशा टूटी फूटी हरियाणवी बोलती है। एक दूसरे के वास्ते के बाद आप डायरेक्टली लाडो टू में देख रहे हैं, तो ये कमबैक तो नहीं कहूँगी लेकिन ये क्या था, मतलब इतने के बीच में कहाँ गायब? मैं गायब नहीं थी एक्चुअली, सिंस हम एक्टिंग कर रहे थे एंड बीच में इट्स जस्ट कि मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ तो वो ज़रूर आएगा, इस दौरान बीच में मैंने एक वेब सीरीज़ किया है ऑल्ट बालाजी के लिए, और मैं एक फीचर फिल्म करने गई थी ऑस्ट्रेलिया बट बिहाइंड द सीन्स, तो वो मैं 2.5-3 महीने के लिए ज़रा ऑस्ट्रेलिया चली गई थी क्योंकि मुझे था थोड़ा करना है, तो वो फिल्म के लिए मैं ज़रा प्रोडक्शन करने चली गई थी। अच्छा कास्ट को लेकर थोड़ा रिवाइव हुआ है शो लाडो टू में, लाडो में जो थे उनको छोड़कर लाडो टू को नया कास्ट मिला है, तो उसको लेकर के कितना ज़्यादा मतलब प्रेशर फील करते हैं कि ये भी उतना ही सक्सेसफुल हो पाएगा? सबका अपना अपना जर्नी है, इस शो का भी कुछ अलग ही जर्नी होगा, ना आना इस देश लाडो का अपना जर्नी था जो बहुत अच्छा था, वही मैं कह रही हूँ प्रेशर है थोड़ा, पर आई एम वेरी श्योर हो जाएगा, मतलब इट्स बियॉन्ड पीपल्स एक्सपेक्टेशंस क्योंकि इतने सरप्राइजेज हैं शो में, इतनी चीज़ें हो रही हैं,
हमें भी रोज सरप्राइजेस मिलते हैं सर पे, अच्छा ये ओ तेरी, हम लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं, तो आई एम श्योर हम कर रहे हैं, हमें इतना मजा आ रहा है, तो ऑडियंस को तो बहुत मजा आएगा। बस इस के मैं आ रही हूँ वापस लाडो वीरपुर की मर्दानी में, और ये सब आप ही का प्यार है, आप ही की वजह से मैं फिर से आ रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मोटिवेट करते हो अपने चीज़ों से, तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और भी ज़्यादा खुशी मिलती है आप लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को। तो बस इस चीज़ कि मैं शायद आप तक पहुँच नहीं पाऊँ, बट प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर आई ऑलवेज लव यू, और मैं हमेशा आप लोग मेरे दिमाग में रहते हो। थैंक यू।